शक्तिपीठ डिजिटल में आपका स्वागत है। भगवान श्री राम के ये चार गुण जो आपका जीवन बदल देंगे। पहला, संयम बरतना। आज के जमाने में हम सभी को जल्दी गुस्सा आ जाता है और हम धैर्य और संयम खोकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हमें संयम रखकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। जब रावण माता सीता को हरण कर ले गया, तब लंका जाने के लिए श्री राम के मार्ग में समुद्र सबसे बड़ा अवरोध था। श्री राम चाहते तो पल भर में समुद्र को सुखा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और धैर्य और संयम के साथ समुद्र से रास्ते देने की विनती की। श्री राम के धैर्य और संयम का ही परिणाम था कि उन्हें हर जगह विजय प्राप्त हुई। दूसरा, विनम्रता। प्रभु श्री राम का एक और बेहद खास गुण है, वो है विनम्रता। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं किया। निषाद राज जैसे गरीब मित्र को गले से लगाया, शबरी के जूठे बेर खाए, बंदरों और भालुओं की सेना यानी वंचितों को भी सम्मान दिया। तीसरा, त्याग की भावना। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने अंदर त्याग की भावना को विकसित कर लिया, वो दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिस समय श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, उसी समय उन्हें वनवास जाने का आदेश मिला, लेकिन प्रभु ने विचलित हुए बिना वन जाने का निर्णय लिया और पिता के कहने पर राजपाट को त्याग दिया। चौथा, परिस्थितियों का कैसे सामना करें। बालिका वध और सीता त्याग जैसे प्रसंग ये याद दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि श्री राम के जीवन में भी सब कुछ सीधा साधा और सरल नहीं था, और किसी के भी जीवन में सब कुछ हमेशा अच्छा ही हो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप उस परिस्थिति से निकलकर आगे बढ़ें और उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। आज यानी 21 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि है। इस दिन माँ दुर्गा के नौवे स्वरूप की पूजा की जाती है और साथ ही पुरुषोत्तम राम की भी पूजा की जाती है। इसे रामनवमी के नाम से जाना जाता है। ये हिंदू धर्म का एक पावन त्यौहार है। इस पर्व को भगवान श्री राम को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि इस दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। इसी के चलते इस दिन हर घर में भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ये तिथि हर वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन लोग श्री राम की पूजा तो करते ही हैं, साथ ही अपने दोस्तों और परिजनों को रामनवमी की शुभकामना भी देते हैं। राम जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुकून मिलता है। जो भी जाता है राम के द्वार, कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। शक्तिपीठ डिजिटल की तरफ से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।